हे गाइस, कैसे हैं आप सब। यार रियलमी 3i के बारे में मेरे को पता है आप सब वेट कर रहे हो कि रियलमी एक्स के साथ एक ऐसा स्मार्टफोन आने वाला है जो कि रियलमी 3 का एक टीयर डाउन वर्जन होगा। अब ये रियलमी C2 और रियलमी 3 के बीच का होना चाहिए। तो यहाँ पर यार फ्लिपकार्ट के ऊपर टीजर पेज भी आ गया है, ये देखो मेरे सामने। तो इसको पहले देखते हैं इसमें है क्या, इन्होंने क्या डाला है, उसके बाद डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ पता लग रहा है। तो यहाँ पर उससे पहले कि यहाँ पर बातें करें इसके बारे में सारी, मैं बता दूँ मैं हूँ अमन और इस चैनल के ऊपर आपको बेल बटन दबा लेना चाहिए, क्योंकि यार गिव अवेज आ रहे हैं दो जिसमें आपको पार्ट लेना होगा और आप जीत सकते हो बहुत ही अच्छे प्राइजेस। तो यार एक फोन होने वाला है और एक और प्रोडक्ट होने वाला है। सो एक्साइटमेंट जगी गिव अवे के नाम पे, बिल्कुल जग गई होगी। चलो रियलमी 3i के बारे में बात करते हैं। मैं यहां पे चल रहा हूं फ्लिपकार्ट के पेज पे। ये है रियलमी 3i का पेज जहां पर हमें देखने को मिल रहा है स्मार्टफोन्स का चैंपियन लिखा हुआ। अब स्मार्टफोन का चैंपियन है कि नहीं है, आई डोंट नो यार, होना चाहिए अगर इतना लिख रहे हैं तो। उसके बाद यहां पे स्मार्टफोन्स बने हुए हैं और अगर इन स्मार्टफोन्स को आप ध्यान से देखो तो डिजाइन जो है वो पता चल रहा है कि डायमंड कट वाले डिजाइन के साथ आ रहा है। और इन्होंने यहां पे डिजाइन के बारे में बहुत कुछ बोला था कि यहां पे ग्रेडिएंट वेडिएंट होगा, तो मेरे को लगता है वो जो डायमंड कट डिजाइन है ये ग्रेडिएंट फिनिश के साथ आने वाला है। मेरे को लगता है काफी सुंदर देखने को लग सकता है, पर यहां पे एक्सपेक्ट मत करना कि शायद ग्लास बॉडी मिल जाए। नहीं, ये अपने 15,000 में नहीं दे रहे हैं, रियलमी एक्स आ रहा है थोड़े से हाई प्राइस में, उसमें नहीं दे रहे हैं। तो यहां पे यार कहां से, मतलब इस फोन में भी आपको प्लास्टिक देखने को मिलने वाला है और यहां पे ग्रेडिएंट डिजाइन होगा, ये कि फोन आपका सुंदर दिखेगा ये चीज देखनी है। बाकी ये काफी तक रियलमी C2 से भी डिजाइन जो है वो मेल खाएगा। अब कैमरा के बारे में बात करूं तो पोजीशन ऐसी ही है जैसे कि रियलमी 3 की है, तो ये आप देख लो। तो फोन अच्छा लग रहा है। अब यहां पे मैं अगर ध्यान से देखूं फोन को तो पता चल रहा है कि बैक साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी लगा के दे रहे हैं, तो अच्छी बात है फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे डुअल सेंसर्स भी हैं कैमरा के, तो रियलमी C2 में डुअल कैमरा है तो यहाँ पर तो बनता ही है गाइस। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो कैमराज हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हों, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कैमरा चैंपियन भी होने वाला है, तो यार बहुत ही बढ़िया, देखते हैं क्या करते हैं ये। फिर इसके नीचे चले तो लिखते हैं ये द पावर पैक्ड चैंपियन, ओके, और साथ में लिख रहे हैं कि रोहित शर्मा इज द पावर पैक्ड चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड कप। ओ, ये तो हमें भी पता है यार, 5 सेंचुरीज मारी है रोहित शर्मा ने, वेल डन ब्रो। कोई बात नहीं, इंडिया नहीं जीत पाया, सेमीफाइनल्स में हार गया, इट्स ओके, बैड लक था हमारा, तो यहाँ पे कुछ हम कह नहीं सकते। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चलूँ, मैसिव 4230mAh की बैटरी है गाइस, ओहो बैटरी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे बैटरी के मामले में कहूँगा आपको बैटरी बैकअप बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है कि मीडियाटेक हीलियो P60 प्रोसेसर पावर पैक चैंपियन, ओके। हीलियो P60 हमें रियलमी 1 में देखने को मिला था और रियलमी 1 की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छी है पता है, और यहाँ पे P60 जो है वो हमें नोकिया के फ़ोन में भी मिला था, तो P60 परफॉर्म अच्छा करता है। चलो इसके आगे चलते हैं, प्रेजेंटिंग रियलमी 3i विद मैसिव 4230, सब कुछ सेम लिखा हुआ है उसके बाद। और लास्ट में जाके पता चल रहा है ये तारीफ कर रहे हैं अपनी डिस्प्ले की और बताते हैं कि चैंपियन डिस्प्ले क्या हो सकती है, वो होगी 6.22 इंच की ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले, ऑब्वियसली इसका वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगा वो भी यहाँ पे 6.22 इंचेस का। तो यहाँ पे पता चल रहा है बैटरी के बारे में, डिजाइन के बारे में, फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में और साथ ही में थोड़ा बहुत डिस्प्ले के बारे में। अब डिस्प्ले अगर ये कह रहे हैं कि चैंपियन स्मार्टफोन है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे फुल एचडी की डिस्प्ले होने वाली है। एचडी होगी तो यार इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि यार फुल एचडी का मजा एक अलग ही होता है। बाकी देखते हैं क्या करते हैं ये, एचडी देने के बाद बोल दे कि हम यहाँ पे सिर्फ 6.22 इंच वाटर ड्रॉप को अच्छा बोल रहे थे, तो फिर मुझे वो बात समझ में नहीं आएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे रियल कंफ्यूजन की, यार रियलमी जो असल में कर रहा है ना, ये तो चलो फीचर्स के बारे में बात होगी रियलमी 3i की, पर एक्चुअल में अगर देखा जाए जो रियलमी करने की कोशिश कर रहा है वो यही कर रहा है कि हर 1,000-1,500 में एक स्मार्टफोन फेंक दो, ताकि हमारी सेल्स जो है ना वो बिल्कुल भी कम ना हो सके, हर जगह से कहीं ना कहीं से सेल निकलनी चाहिए। अब यहां पर आपको फर्क क्या पड़ेगा, कस्टमर्स को पड़ेगा, कस्टमर्स बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज होते जाएंगे। कंफ्यूज कैसे होंगे यार, आपको रियलमी C2 एक काफी अच्छा डिवाइस मिल रहा था, अगर ये डिवाइस आता है रियलमी 3i ये आपको देखने को मिलेगा 7,000-8,000 रुपए में, इससे ज्यादा ये नहीं हो सकता। अगर 7,000-8,000 रुपए में आता है तो ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन बन जाएगी कि रियलमी C2 तो यार खत्म हो जाएगा, इसकी तो सेल्स ही खत्म हो जाएगी, कौन लेगा इसको। तो यार वो हम 1,000 या फिर 1,000-1,500 एक्स्ट्रा खर्च के हम रियलमी का ये वाला डिवाइस लेंगे, ये ज्यादा पावरफुल है। तो चलो अब इसको भी छोड़ देते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर ये 8,000 रुपए प्राइस टैग पे आता है तो हमें 9,000 के प्राइस टैग में इस वक्त रियलमी U1 भी देखने को मिल रहा है, रियलमी 3 भी सिमिलर प्राइसिंग पे है। तो ये डेफिनेटली अगर हम वहां पे 8,000 इस फोन पे खर्चे, इससे अच्छा ये नहीं है कि रियलमी 3 या U1 में इन्वेस्ट करें।
तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है रियलमी ने। हर एक 1000 के प्राइस गैप में एक स्मार्टफोन छोड़ा जा रहा है। अब रियलमी के ये सारे स्मार्टफोन्स काफी अच्छे हैं प्राइस के हिसाब से, पर यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है कंज्यूमर्स के लिए कि यार क्या क्या मतलब। अब ऐसा है कि यार अगर तुम मुझे पूछोगे कि रियलमी 3i ले लें, तो मैं आपका कहूंगा अगर तो यार आपको लेना ही है तो यार 9000 में इससे बेटर वाला फोन ले लो। तो अगर आप कहोगे C2 ले लें तो फिर ये वाला फोन ले लो, पर ये वाला फोन ले रहे हो तो मुझे नहीं समझ आ रहा ये फोन बीच में फिट बैठा है कि नहीं बैठा। मैं थोड़ा सा खुद कंफ्यूज हो गया हूं। तो यहां पर एक्चुअल ये परफॉर्मेंस कैसी देगा, कैमरास कैसे होंगे, ये तो हमें पता चल ही जाएगा जब ये लॉन्च हो जाएगा, इसकी टेस्टिंग हो जाएगी। बट यहां पर रियलमी को यार समझ नहीं आ रहा, रियलमी क्वालिटी की तरफ ध्यान जो है वो कम दे रही है, क्योंकि हमने देखा है रियलमी 3 प्रो का कैमरा कितना ज्यादा कैपेबल है, हार्डवेयर कितना अच्छा है, पर उसका कैमरा क्वालिटी इतना भी ज्यादा अमेजिंग नहीं है जितना कि हार्डवेयर के हिसाब से होना चाहिए था। तो यहां पर बहुत सारी चीजें, ऊपर से कलर ओएस अभी भी उसके अंदर दिक्कत काफी है, उसमें भी अभी सुधार इतना ज्यादा नहीं हुआ है। तो कुछ चीजें हैं जो कि मेरे को यार बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है रियलमी की। तो रियलमी 3i जो पता चल रहा है वो यही है, 4230mAh की बैटरी हो जाएगी और इसकी डिस्प्ले भी ठीक ठाक होगी और कैमरा जिसके कह रहे हैं कि काफी अच्छे होंगे, वो देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कितना ऑप्टिमाइज करते हैं कितना नहीं करते। बाकी जो भी है यार आप मेरे को बताओ Realme 3i और Realme के बारे में अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में, आप क्या सोचते हो इस ब्रांड के बारे में और इस फोन के बारे में स्पेसिफिकली। तो मैं आपको उसके बाद मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में और आपके कमेंट्स का जवाब देने का पूरा ट्राई करूंगा। बाकी यार मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक अपना विशाल वाला रखे ख्याल, किस मालिंग एंड ऑलवेज चेक गाइस एंड कीप बी रेडी फॉर द गिव अवेज, टेक केयर।